सुनैना चौटाला की ओर से बयान दिया गया कि जींद के सरकारी स्कूल में यौन शोषण की घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया कि यह घटना वाकई बेहद शर्मनाक है। स्कूलों को बंद करने की बजाय बेटियों की सुरक्षा पर सरकार ध्यान दे। गठबंधन पर निशाना साधते हुए सुनैना की ओर से कहा गया, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर इनेलो पार्टी मजबूत है। उज्जैन पहुंची थी सुनैना चौटाला और इस दौरान सरकार को घेरा गया, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। स्कूलों के बंद किए जाने के बजाय सरकार को चाहिए कि बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दें। ये बड़ी खबर जींद से। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती, क्योंकि जहां शिक्षा का मंदिर, मंदिर के बाद यदि किसी को मंदिर का तक अगर हम देते हैं तो वो शिक्षा का संस्थान होता है, वहाँ पे अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो सामाजिक तौर के ऊपर मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों के ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जहाँ वो स्कूलों को बंद कराने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है तो वो सुरक्षा के मामले में, बेटियों की सुरक्षा के लिए संज्ञान में ज़्यादा बता सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये गठबंधन है ही नहीं, ये तो ठगबंधन था, और ठगी ठोरी में तो मैं ही रहूँ वो सब, तो मैं तो इस चीज़ में जाऊँगी नहीं, कब टूटेगा कब रहेगा। हाँ, जब ठगी के माल का बंटवारा गलत होने लगेगा तब ये ज़रूर टूट जाएगा। अभय सिंह जी चौटाला समस्त पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 सीटों पे अभय सिंह जी चौटाला है। जो हमारे कार्यकर्ता होगा, जो भी हमारा टिकटार्थी होगा, वो अभय सिंह जी चौटाला ही होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं आपको नजर आएगा। मैं ज़्यादा बता सकते हैं।